हर साल नवरात्र पर्व के समापन के साथ ही बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में दशहरा पर्व मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक हर साल विजयदशमी पर्व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। यही कारण है कि इसे विजयदशमी भी कहा जाता है। दशहरा 2024 कब है तो इस साल अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि यानी कि 12 अक्टूबर सुबह 10:58 से अवधि शुरू हो जाएगी। इसका समापन तिथि का जो मुहूर्त है वो 13 अक्टूबर 2024 है सुबह 9:08 पर। उदया तिथि के अनुसार दशहरे का त्यौहार इस साल 12 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। हर साल दशहरे का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। शस्त्र पूजन मुहूर्त क्या है? दशहरे के दिन कई जगहों पर शस्त्र पूजा करने का भी विधान है। दशहरे के दिन शस्त्र पूजा विजय मुहूर्त में की जाती है। इस साल दशहरा पूजन के लिए शुभ मुहूर्त दोपहर दो बजकर दो मिनट से शुरू होगा जो दोपहर 2:58 तक रहेगा। मुहूर्त की कुल अवधि 46 मिनट तक रहने वाली है। रावण दहन मुहूर्त दशहरे पर 4 दुर्लभ संयोग बना रहा है। विजयदशमी के दिन श्रवण नक्षत्र का होना बहुत शुभ होता है और इस साल इसका संयोग बन रहा है। श्रवण नक्षत्र 12 अक्टूबर को सुबह 5:25 से शुरू होकर करीब 13 अक्टूबर को सुबह 4:27 पर समाप्त हो रहा है। इसके साथ ही कुंभ राशि में शनि शश राजयोग, शुक्र और बुध लक्ष्मी नारायण योग के साथ शुक्र मल्लव नामक राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। पूजन विधि क्या है ये भी आपको बता देते हैं। दशहरे के दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर साफ कपड़े पहने और गेहूं या चूने से दशहरे की प्रतिमा बनाएं। गाय के गोबर से 9 गोले 2 कटोरियां बनाकर एक कटोरी में सिक्के और दूसरी कटोरी में रोली चावल जौ और फल रखें। अब प्रतिमा को केले जौ गुड़ और मूली अर्पित करें। यदि बड़ी खातों या शास्त्रों की पूजा करते हैं तो उन पर भी ये सामग्री जरूर अर्पित करें। इसके बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा करें और गरीबों को भोजन कराएं। रावण दहन के बाद शमी वृक्ष की पत्ती अपने परिजनों को दें। अंत में अपने बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त जरूर करें। चलिए क्यों मनाते हैं विजयदशमी, ये भी तो बहुत जरूरी है। वैसे तो हम सभी जानते हैं लेकिन एक बार फिर से जरा इसको याद कर लेते हैं। दशहरे के दिन भगवान राम ने रावण का वध कर युद्ध में जीत हासिल की थी। इस पर्व को असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में भी मनाया जाता है। दशहरा पर्व हर साल अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, इसलिए भी शारदीय नवरात्र की दशमी तिथि को यह उत्सव मनाया जाता है। कई जगह पर इस दिन माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन भी किया जाता है। दशहरा कैसे मनाया जाता है? दशहरे पर नीलकंठ पक्षी दिखने से क्या होता है? दशहरे के दिन नीलकंठ भगवान के दर्शन करना अति शुभ माना जाता है। माना जाता है कि अगर दशहरे पर आपको नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाए तो आपके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। नीलकंठ पक्षी को भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है। दशहरे पर नीलकंठ पक्षी के दर्शन होने से पैसों और संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। जो काम करने जा रहे हैं उसमें सफलता भी आपको मिलती है। मांगलिक कार्यों के लिए ये दिन शुभ माना जाता है। दशहरा या विजयदशमी सर्व सिद्धिदायक तिथि मानी जाती है, इसलिए इस दिन सभी शुभ कार्य फलकारी माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दशहरे के दिन बच्चों का अक्षर लेखन, घर या दुकान का निर्माण, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण, अन्न प्रसारण, कर्ण छेदन, यज्ञोपवीति संस्कार और भूमि पूजन कार्य बेहद शुभ होते हैं। विजयदशमी के दिन विवाह संस्कार को निषेध माना गया है।